हिंदी व्याकरण का टॉपिक छंद। बेटा छंद किसे कहते हैं? देखो, छंद उस रचना का नाम है जिसमें वर्ण या मात्राओं की संख्या निश्चित होती है। जो छंद होता है बेटा, इसमें वर्ण और मात्राओं की संख्या निश्चित होती है। ठीक है, तो वो में मात्राओं की संख्या, वर्णों की संख्या निश्चित होती है। बेटा जो गद्य खंड होते हैं उनमें मात्राओं की और वर्णों की संख्या निश्चित नहीं होती। हम उसमें कुछ भी बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। तथा यदि गति का विशेष ध्यान रखा जाता है, यदि का मतलब होता है बेटा रुकना, ठीक है, और गति जो चलती रहती है लगातार, का विशेष ध्यान रखा जाता है। किसमें रखा जाता है बेटा? छंद में रखा जाता है। छंद में, छंद उस रचना का नाम है बेटा जिसमें वर्ण या मात्राओं की संख्या निश्चित होती है, लेकिन जो हमारे गद्य खंड होते हैं उसमें मात्राओं की और वर्णों की संख्या निश्चित नहीं होती। हम उसमें अपनी मर्जी से बढ़ा भी सकते हैं दो और घटा भी सकते हैं। तथा यदि गति का विशेष ध्यान रखा जाता है, छंद का प्रयोग करते हैं बेटा, तो उसमें यदि का मतलब रुकना, गति का मतलब चलना, का विशेष ध्यान रखा जाता है। छंद के बेटा दो भेद होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। मात्रिक छंद क्या होते हैं बेटा? जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। जो छंद होते हैं उसमें जब हम मात्राओं को गिनते हैं उसे मात्रिक छंद कहते हैं। वर्णिक छंद में बेटा जिन छंदों में वर्णों की गणना की जाती है उन्हें वर्णिक छंद कहते हैं। छंद के दो भेद होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं, और वर्णिक छंद में वर्णों की गणना की जाती है उन्हें वर्णिक छंद कहते हैं। फिर देखो बेटा सम, सम छंद क्या होते हैं? वे छंद जिसमें चार चरण हो और चारों में मात्राओं और वर्णों की संख्या बराबर हो। ये हमारे पास बेटा देखो दोहा है जो मैंने लिखा है, इसमें चार चरण बोलते समय, ठीक है, जो समय लगे उसे मात्रा कहते हैं।
लिखते हैं ना, तो ये किसके बाद खड़ा होगी? बड़ी, छोटी, छोटा हो, बड़ा हो, मात्राएं। तो ठीक है, स्वरों की मात्राएं होती हैं, अतः छंदों में स्वरों एवं उनकी मात्राओं का अत्यधिक महत्व होता है। जो छंद होते हैं बेटा, इनमें स्वर की उन स्वर की मात्राएं का अत्यधिक महत्व होता है, क्योंकि मात्राएं किसकी होती है बेटा? स्वर की मात्राएं होती है। ठीक है, उसके बाद देखो बेटा, छंद शास्त्र के अनुसार मात्रा के दो भेद होते हैं, लघु और गुरु। फिर हमारे देखो बेटा, किसी वर्ण अथवा अक्षर के उच्चारण में जो समय लगे उसे मात्रा कहते हैं। किसी वर्ण को बोलते समय और अक्षर को बोलते समय जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। मात्रा केवल बेटा स्वर की ही होती है, और छंद में स्वर की स्वर जो होते हैं उनकी मात्रा का अत्यधिक महत्व होता है। छंद के बिना दो भेद होते हैं, मात्रा छंद शास्त्र के अनुसार मात्राओं के दो भेद होते हैं, लघु और गुरु। ठीक है बेटा, लघु देखो, जब कोई हिट्स स्वर की मात्रा का प्रयोग हो उसे लघु कहा जाता है। हिट्स स्वर की मात्राएं का जो प्रयोग होता है उसे लघु कहा जाता है। लघु मात्रा का चयन खड़ी पाई, ठीक है, जो हम डंडा खींचते हैं इसका चिन्ह, इसका क्या नाम है बेटा? खड़ी पाई होता है। छंद शास्त्र में मात्राओं की गिनती करते समय लघु मात्राओं की संख्या प्रति वर्ग एक मानी जाती है। जब हम छंद शास्त्र में मात्राओं की जब हम गिनती करते हैं तो लघु मात्राओं की जो संख्या होती है बेटा उसे एक माना जाता है, जैसे कि ये। ठीक है, जब कोई ईश्वर की मात्रा का प्रयोग हो उसे लघु कहा जाता है। ईश्वर में बेटा व्याकरण की मात्रा है, ठीक है, ए ई उ ऋ ष, ठीक है। लघु मात्रा का मात्रा का चिन्ह बेटा खड़ी पाई होता है, और छंद शास्त्र में मात्राओं की गिनती करते समय लघु मात्रा की संख्या प्रति वर्ण एक मानी जाती है। गुरु देखो बेटा, जब किसी व्यंजन में द्वित स्वर प्रयोग में आ रहा हो या किसी व्यंजन के साथ द्वित स्वर की मात्रा लगी हो उसे छंद शास्त्र में गुरु कहा जाता है। ठीक है, जैसे देखो आ ई उ ए ऐ ओ औ, ये क्या हो गए? स्वर हो गए। ठीक है, जब किसी व्यंजन में द्वित स्वर प्रयोग में आ रहा या किसी व्यंजन के साथ दीर्घ स्वर की मात्रा लगी हो तो छंद शास्त्र में उसे गुरु कहा जाता है। ये स्वर है बेटा आ ई उ ए ऐ ओ औ के स्वर है, और इनका चिन्ह क्या है बेटा? इनका चिन्ह निशान ये है। ठीक है, छंदों में मात्राओं की गिनती करते समय गुरु मात्राओं की संख्या प्रति वर्ग दो मानी जाती है। कितनी मानी जाएगी बेटा? गुरु में प्रति वर्ग दो मानी जाएगी, और बेटा लघु में प्रति वर्ग एक मानी जाएगी। देखो जैसे इस पहले देखो, गिनती करते समय गुरु मात्राओं की संख्या प्रति वर्ग दो मानी जाएगी। ठीक है बेटा, व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं? स्वर की सहायता से। ठीक है, इसमें देखो का ला होते हैं।
लघु मात्रा का चिन्ह क्या होता है बेटा? घड़ी बाई होता है। और छंद शास्त्र में मात्राओं की गिनती करते समय लघु मात्राओं की संख्या प्रति वर्ण एक वाणी जाती है, प्रति वर्ण एक वाणी जाती है। ठीक है, गुरु में देखो जब किसी व्यंजन में दीर्घ स्वर का प्रयोग हो रहा हो या किसी व्यंजन के साथ दीर्घ स्वर हो, ठीक है, मात्रा ही लगी हो और उसे क्या कहा जाता है बेटा? गुरु कहा जाता है। अब ये देखो कौन कौन से स्वर होते हैं जिन्हें गुरु कहा जाता है? आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, ये स्वर है। इसका चिन्ह है बेटा ये। छंदों में